वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया वेबसाइट लेके हाजिर हूँ मैं ASP.NET सी शार्प में। इस वेबसाइट का नाम है सेल मैनेजमेंट पोर्टल। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो और आज सीखेंगे एक वेबसाइट बनाना। तो गो टू फाइल, सेलेक्ट न्यू एंड क्रिएट अ वेबसाइट एंड हियर सेलेक्ट एम्प्टी वेबसाइट एंड चेंज योर वेबसाइट नेम। तो यहां पे मैं एक नाम देने वाला हूं। क्या नाम दे देते हैं इसका? इसका नाम हम दे देते हैं सेल मैनेजमेंट पोर्टल। ओके, क्लिक ऑन ओके। सो गाइज यहां पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हुआ है। अब इसमें हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे मास्टर पेज एंड मास्टर पेज से पहले हम कुछ फोल्डर हैं। यहाँ पे जो डिजाइन हम क्रिएट करने वाले हैं वो बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे। उसके लिए जो जरूरी फाइलें हैं वो हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं बेसिकली। तो डिजाइन हमारा होगा बूटस्ट्रैप में, तो बूटस्ट्रैप से जुड़ी हुई जितनी भी फाइलें होंगी सबको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये फाइल मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट के अंदर क्या है, bootstrap.min.css, ठीक है, और भी जो जरूरत की फाइलें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी, स्क्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और ये जो फोल्डर देख रहे हैं एडमिन लॉगिन, बेसिकली इसमें मैंने अभी कुछ नहीं रखा है, अभी सिंपल यहाँ पे इमेज है मेरे पास, ठीक है। एडमिन लॉगिन, जब एडमिन लॉगिन करेगा तो वहां पे कौन सी इमेजेस यूज होंगी, मैनेजमेंट जब लॉगिन करेगा उसके लिए कौन सी इमेज यूज होगी, और यहाँ पे सेल लॉगिन जब चलेगा यहाँ पे क्या इमेजेस होगा, उसके बाद स्क्रिप्ट में आपको स्क्रिप्ट फाइलें मिल जाएंगी। ओके, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब यहां पे हम क्रिएट करने वाले हैं मास्टर पेज। राइट क्लिक करेंगे यहां पे, ऐड न्यू आइटम पे चलेंगे, दिस इज ऐड न्यू आइटम। यहां से सेलेक्ट करना है मास्टर पेज। ओके, सो सेलेक्ट मास्टर पेज और इस मास्टर पेज का नाम हमें चेंज करना है, तो दिस इज मेन मास्टर डॉट मास्टर, और यहां पे ऐड पे क्लिक करेंगे। नाउ आपका जो मास्टर पेज है ये यहां पे ऐड हो चुका है, सो दिस इज योर मास्टर पेज। इस मास्टर पेज पे आपको मिलेगा दो कंटेंट प्लेस होल्डर, एक होगा हेड में और एक होगा बॉडी में। तो ध्यान रहे आपको जो भी कुछ बनाना है वो इस कंटेंट प्लेस होल्डर से, टॉप वाले से यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे बनाना है, या इस कंटेंट प्लेस होल्डर के बाद में बनाना है, ठीक है। और आपको इस कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर कुछ भी नहीं बनाना है, ये बेसिकली ऑप्शनल होता है। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पेज में कुछ डिफरेंट डिजाइन चाहिए तो आप वहां पे, तो वो ये कंटेंट प्लेस होल्डर होता है, तो इसमें जाके आप जो भी लिखते हो तो वो पेज मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या चाहते हैं, सिंपल हमारा डिजाइन है, मैं आपको भी बता देता हूं किस तरीके से आपको बनाना है वो। तो सबसे पहले यहां पे देखो ये टॉप पे, तो गाइस टॉप पे हम ये कुछ कोड लिख देंगे यहां पे इस तरफ। अब हम चलेंगे सीधा बॉडी में जो आपका कंटेंट प्लेस होल्डर है यहां पे। ओके गाइस, तो क्या करते हैं अभी के लिए, क्या करते हैं ये जो डीआईवी है इसे मैंने डिलीट कर दिया यहां पे। ओके, और यहां पे इस कंटेंट प्लेस होल्डर से पहले ही हम अपने डिजाइन को यहां पे बनाएंगे, तो डिजाइन हमारी कुछ इस तरीके से होगी। तो यहां पे कोड जो है, कोड मैंने पेस्ट कर दिया है डिजाइन का, इसे सेव कर लेते हैं, और इसकी डिजाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको डिजाइन एक बार दिखा देता हूं कि कैसे आपको यहां पे दिखेगा ये। तो डिजाइन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ये इस तरीके से व्यू आएगा कुछ। ओके, तो अभी मैंने हेडर यहां पे डिसाइड कर दिया इसका कैसे किस तरीके से दिखेगा आपको। एंड मास्टर पेज के बाद अब हम यहां पे क्रिएट करने वाले हैं एक लॉग इन फॉर्म। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम पे चलेंगे, यहाँ पे एक वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। ये जो वेब फॉर्म होगा इसका नाम क्या देंगे हम, login.xpx। और यहाँ पे हम मास्टर पेज नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लॉगिन का सिंपल सा एक डिजाइन होगा वो मैं ऐसे ही बना दूंगा विदाउट मास्टर पेज। तो ऐड पे क्लिक करेंगे। ओके, ये आपका आ गया लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये हमारा जो लॉगिन फॉर्म है ये तैयार हो चुका है। अब इस लॉगिन फॉर्म को हम आपको डिजाइन में अगर दिखाएं तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस लॉगिन फॉर्म को हम ब्राउजर में ओपन करेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं और व्यू इन ब्राउजर पे क्लिक करते हैं, तो ब्राउजर में इसका व्यू हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको ये दिखेगा ब्राउजर में बेसिकली। तो दोस्तों आपके सामने हाजिर है हमारा लॉगिन फॉर्म, तो देख सकते हैं आप लॉगिन फॉर्म आपके सामने, सेल मैनेजमेंट, यहाँ पे यूजर नेम, लॉगिन और ये पासवर्ड, और बैकग्राउंड में मैंने लगा रखा है एक इमेज, बहुत ही सिंपल है, एक इमेज लगा दो बैकग्राउंड में, बाकी आपको ये इस तरीके से बना देना है। तो ये आपका लॉगिन फॉर्म हम वो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एसक्यूएल सर्वर, जो भी आपके पास डेटाबेस है एसक्यूएल सर्वर, किसी के पास 2008 है, किसी के पास 2012 है, तो जो भी है आप इसे ओपन कर लो। सो डेटाबेस ओपन हुआ, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे क्वेरी पे आएंगे, न्यू क्वेरी पे बनाना है। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास कोड है, मैं कोड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
तो गाइज मेरे पास कोड है यहाँ पे, मैंने कोड को कर दिया यहाँ पे पेस्ट। देखो सबसे पहले क्या, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो कोड है ये डेटाबेस को क्रिएट करने का। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस का नाम क्या होगा, सेल होगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका नाम हम यहाँ पे, इट्स ये परफेक्ट, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या है, सेल। तो देखो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ओके, तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा आपका डेटाबेस, ये रहा हमारा डेटाबेस सेल, ठीक है। सेल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसी सेल वाले में, डेटाबेस में हमें क्या करना है, हमें टेबल बनानी है इसकी, ठीक है। तो आप नीचे की तरफ आप आओगे तो आपको मिलेगा इट्स अ सेल, ये रहा हमारा, ठीक है। अभी इसमें कोई टेबल नहीं है, तो हमें टेबल भी हम बनाने वाले हैं। तो ओके, तो अभी क्या ये हो चुका है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यूज सेल, ओके ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्रिएट करने वाले हैं एक फंक्शन, तो फंक्शन हम बाद में क्रिएट करेंगे, पहले हमें क्या बनाना है, पहले हमें बनाना है टेबल, ठीक है। तो पहले हम टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले फंक्शन का है कोड, तो फंक्शन अभी नहीं बनाएंगे, जब तक हमारा टेबल नहीं बनेगा तब तक हमारा फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो पे ये देखो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है, अनाउंसमेंट, अच्छा। और उसके बाद क्या है नीचे, क्रिएट टेबल क्लाइंट टेबल, ओके। पे पहले हम इतनी सारी चीज़ें जो हमने सेलेक्ट की हैं वो हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। कहाँ से, अब हम पहले ये इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सब कुछ हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, इट्स ओके 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 ये। तो ये हमने किया यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक, तो भैया रो हमारी क्रिएटेड हो चुकी है, ठीक है। रो हमारी क्रिएटेड हो चुकी है, अब क्या करेंगे, अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ। हमने जो फंक्शन थे अब वो फंक्शन बनाने हैं, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन है, तो क्रिएट फंक्शन, ठीक है, इसे हम बना लेते हैं। और उसके बाद ये वाला फंक्शन क्रिएट करेंगे, ओके। तो पहले इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये फंक्शन हमारा तैयार हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक सारे फंक्शन हमारे तैयार हो चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये टेबल तो हमने बना ही लिया है, तो अब क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी हो चुकी हैं, सेट हो चुकी हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ओके। तो हमारा ये हो चुका है, अब हम इसे क्या करते हैं, सेव कर लेंगे एक बार, इसे हम रिफ्रेश कर लेंगे। सेलेक्ट किया और यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक किया, तो आप देख सकोगे यहाँ पे आपको टेबल आपको नज़र आएंगी। तो गाइस टेबल हमारा बन चुका है, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। ये क्वेरी है, ये क्वेरी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये जो डेटाबेस है की क्वेरी है ये आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना टेबल के आप क्रिएट कर लेंगे आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने लॉगिन वाले फॉर्म पे आ गए हैं, ठीक है। अब लॉगिन करना है हमें, ओके लॉगिन करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, लॉगिन पे करेंगे डबल क्लिक। तो लॉगिन बटन है, इस बटन पे किया हमने डबल क्लिक, ओके। बटन का क्लिक इवेंट आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले हम कुछ नेम स्पेस यहाँ पे ऐड करते हैं, ओके। वो नेम स्पेस हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो उसमें क्या है आपका, यूजिंग सिस्टम, सॉरी यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा आपका एक ये आ जाता है और भी लेना है, और एक और यहाँ पे लेंगे इट्स यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इस वजह से क्योंकि जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड होगा वो हम वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल में रखेंगे और वहाँ से हम इसे यूज़ करेंगे, ओके। तो गाइज लॉगिन पेज है हमारा, इसके लॉगिन बटन पे आ गए हैं। देखो लॉगिन बटन पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक इफ़ कंडीशन बनाना है, ठीक है। तो आपने बनाया इफ़, इफ़ के अंदर आपने ब्रैकेट दिया, ओके ये इफ़ हो गया। तो इफ़ का क्या बनाएंगे हम, इल्स भी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आपका इल्स हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, मैंने इफ़ कंडीशन बनाया और इफ का इल्स। देखो ये जो इफ कंडीशन होगा, इफ इस इफ कंडीशन में हमें करना क्या है, ये जो आपका लॉगिन फॉर्म है ना, इस लॉगिन फॉर्म में आपने लिया है दो कंट्रोल लिए हैं, ठीक है। यहां पर आएंगे तो मेरे पास दो इनपुट बॉक्स हैं। पहला जो इनपुट बॉक्स है उसका नाम क्या है, इनपुट ईमेल, ओके। उस कंट्रोल का नाम क्या है, इनपुट ईमेल। जो दूसरा कंट्रोल है उसका नाम क्या है, इट्स इनपुट पासवर्ड, ओके। तो ये दो कंट्रोल है, इनपुट इमेज और इनपुट पासवर्ड। तो हम क्या करेंगे, अभी हम ये चेक करेंगे कि आपने जो आपका यहाँ पे जो दो आपके पास कंट्रोल हैं, दो इनपुट बॉक्स हैं, तो अभी हम एडमिन के लिए हम डायरेक्टली फिक्स कर देते हैं, कुछ एडमिन का दे देते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ फिक्स कर दिया कि एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड फिक्स कर दिया, ठीक है। तो सपोज अभी यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैंने दिया है इनपुट ईमेल, ये आपका पहला इनपुट बॉक्स है जिसमें आप यूजर नेम इनपुट यूजर नेम आप इनपुट करेंगे। तो अगर इफ इनपुट यूजर डॉट उसकी जो वैल्यू होगी टू अपर, टू अपर क्या है, एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से क्या वो अपर केस में जो भी वैल्यू आप दोगे ना अपर केस में
अगर इक्वल टू एडमिन, ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो ये जो आप देख रहे हो यूजर नेम वाला कंट्रोल है, इसमें अगर आपने क्या लिखा है, एडमिन लिखा हुआ है, ठीक है, अपर केस में एडमिन लिखा हुआ है, तो ठीक है, अगर एडमिन इज इक्वल टू एडमिन, अगर एडमिन हो एंड ऑपरेटर सेकंड कंडीशन, जो पासवर्ड है अगर उसमें भी आपने एडमिन एट द रेट 123 अगर ये लिखा है, ठीक है, अगर ये लिखा होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आपको पता है सेशन ऑब्जेक्ट, इसमें हम क्या लिखेंगे, सेशन ऑब्जेक्ट, और इसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर करेंगे। तो पहला हमारा होगा इट्स अ यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोटेशन में 1 दे देते हैं। ओके, ये 1 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा आपका, सेशन आईडी, सॉरी सेशन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये हो गया इक्वल टू, ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, अभी के लिए हम ये सेशन ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। अब जो दूसरा सेशन ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इट्स रोल, ठीक है, रोल क्या होगा, अगर रोल उसका एडमिन हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट सेशन आईडी, सेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सॉरी, और इसमें क्या लिखेंगे, इट्स यूजर नेम, और अगर आप यूजर नेम में क्या हुआ, यूजर नेम में भी अगर एडमिन हुआ, एंड अनदर वन आपका आ जाएगा, यहां पे हम देंगे इज ऑथोराइज, ठीक है, ये मैंने दे दिया। एक और सेशन ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिएट किया, इफ ऑथोराइज इज इक्वल टू, ये क्या होगा, अगर ये सॉरी इट्स ट्रू, अगर ये आपका ट्रू हो गया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम यहां पे चलेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ठीक है। अब यहां पे रीडायरेक्ट कहां पे जाना है आपको, जो भी जिस भी पेज पे आप मूव करना चाहते हो उस पेज का नाम आप यहां पे दे दो। तो मान लो अभी के लिए मैं जाने वाला हूं, इट्स हमारे पास एक होम पेज होगा ASPX, ठीक है, अभी के लिए हमारे पास एक होम पेज होगा। तो ये कंडीशन कब होगा, जब आपने यूजर नेम और पासवर्ड में एडमिन और एडमिन 123 ये आपने अगर इंटर किया होगा, तो हम बनाएंगे 4 सेशन ऑब्जेक्ट और चारों में ये वैल्यू रख देंगे, और उसके बाद हम एड होम पेज पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। बट अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड में ये चीजें ये वैल्यू इंटर नहीं करते हो, तो यानी इफ कंडीशन फॉल्स होगी, देन आप इल्स कंडीशन पे आओगे। अब इल्स कंडीशन में आपको देखो करना क्या है, का नाम क्या देंगे, इट्स लॉग इन डिटेल्स, ठीक है, ये वो पर्टिकुलर कंट्रोल का नाम यहां पर है, ये नेम कॉपी करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे इनपुट ईमेल डॉट वैल्यू, इसको वैलिडेट करना है, कॉमा लगाएंगे। जो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा ये है पासवर्ड, और इसमें जो वैल्यू होगा वो, और यहाँ पे दूसरा आपको यहाँ पे इस तरीके से दे देना है, फिर सेमी कॉलम लगा के आपको इसे क्लोज कर देना है। परफेक्ट, ओके, तो अभी जो एरर आ रहा है वो एरर सॉल्व हो जाएगा आप। तो गाइज ये जो क्लास है ना, इस क्लास को हम यहीं पे बनाएंगे, नीचे की तरफ बनाएंगे, पर अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे इसे मूव करेंगे। जब ये मान लो ये क्लास हमारी अब हमारी बन जाएगी, तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से लगाएंगे एक इफ कंडीशन, ओके, और ये जो इफ होगा, इस इफ का भी एक हमारे पास एक इल्स होगा इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है हमें, यहां पे हमें चेक करना है क्या, लॉग डॉट इज क्या बनाया था आपने, ऑथराइज यूजर, ठीक है, हमने बोला लॉग, ये जो क्लास होगा, अभी हम ये क्लास क्रिएट करेंगे तो ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर ये ऑथराइज यूजर होगा, ठीक है, तो यहां पर आएंगे और यहां पे आपने जो ये ऊपर आपने बनाया था, ये चारों सेशन हम कॉपी कर लेते हैं, ये चारों सेशन हमने कॉपी कर लिया, और इन चारों सेशन को यहां पे लाके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ओके, पेस्ट कर दिया। तो पहला क्या है, यूजर आईडी, वेरी गुड। अब यूजर आईडी की जो वैल्यू आएगी ये कहां से आएगी, ये आएगा आपका लॉग डॉट यूजर आईडी, ओके, यहां से आएगा। और रोल की बात करें तो रोल में क्या देना है आपको, देना है लॉग डॉट रोल, ठीक है, यहां से रोल आ जाएगा, यूजर आईडी सही है। अब आती है बात इज ऑथराइज, ठीक है, ऑथराइज यूजर, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट्स लॉग डॉट आपको देना है इज ओके ऑथराइज यूजर, ओके, यहां से आना है। और जब ये सारी चीजें हो जाएं तब आपको यहां पे रीडायरेक्ट करना है, किस पेज पे चलना है, कॉपी करेंगे यहां पे, यहां पर आपको पेस्ट कर देना है,
रीडायरेक्ट टू होम पेज पे भी हम मूव करेंगे, ठीक है। फिर से हम होम पेज पे मूव करेंगे, बट इस बार क्या होगा, सेशन ऑब्जेक्ट में वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। परफेक्ट। अब इसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे तो इल्स पार्ट पे आएंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे हम सिंपली रीडायरेक्ट करेंगे। अब इस बार जो हम रीडायरेक्ट करेंगे वो जो पेज होगा वो कौन सा पेज होगा, आपका होगा लॉग इन पेज, ठीक है। तो मान लो अगर वो यूजर नेम पासवर्ड अवेलेबल नहीं है तो हम सीधा लॉग इन पेज पे फिर से मूव कर जाएंगे। परफेक्ट। और अब हम बात करते हैं जो हमने लॉग इन डिटेल नाम से जो हमने क्लास ये बनाई हुई है, ये क्लास पे देखो, अगर आप डायरेक्टली यहां पे क्लिक करके जनरेट क्लास करोगे ना तो होगा क्या, यहां पे एक ऐप अंडरस्कोर डेटा नाम से एक या फिर कोड नाम से एक फोल्डर बन के आ जाएगा और उस फोल्डर में एक क्लास फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं अभी इसे चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो गाइस अभी हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हो आपका लॉग इन फॉर्म है, तो इस फॉर्म के नीचे हम चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो गाइज ये आपका लॉग इन फॉर्म है, यहाँ पे देखो ये जो आपका इल्स पार्ट खत्म हो रहा है, तो 1 2 3 इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटर मारोगे। अब यहाँ पे क्या बनाना है, आपको एक क्लास बनाना है, ठीक है। क्लास का नाम कैसे दोगे, इसे आपको देखो प्राइवेट, ओके। इसका नाम क्या देंगे हम, इट्स लॉग इन डिटेल, ठीक है। लॉग इन डिटेल इसका नाम दे दिया। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि द नेम स्पेस, ओके, नेम स्पेस लॉग इन कुड नॉट बी फाउंड मिसिंग डायरेक्टरी रेफरेंस, ओके। तो ये अभी हम सेट कर देंगे इसे, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। ओके, यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं, अब हम इसी ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लॉग इन डिटेल, ओबीजी इक्वल टू न्यू लॉग इन डिटेल, ठीक है। अब ये यहाँ पर दे दिया मैंने, इनिशियली क्या है फॉल्स कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज ऑथोराइज यूजर, इनिशियली फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाया मैंने ट्राई ब्लॉग, ठीक है। तो ट्राई हो गया, अब ट्राई है तो इसका कैच भी हम देंगे, तो नीचे की तरफ हम दे देते हैं इट्स अ कैच। जो कैच होगा यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन, ओके, एक्सेप्शन ईएक्स, ओके। और ये इस तरीके से आपका ट्राई कैच आ गया। तो ट्राई के अंदर हमें क्या लिखना है, ट्राई के अंदर हमें देना है आपके कनेक्शन का कोड देना है। हम क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर क्लास के हेल्प से हम पता लगाएंगे कि डेटाबेस में जो आपने यूजर ने पासवर्ड एंटर किया है वो अवेलेबल है या नहीं। तो यहां पर आपको क्या लेना है, यहां पर हम क्रिएट करेंगे SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, लगाया मैंने ब्रैकेट सेमी कॉलम, ओके। अब इस ब्रैकेट में आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग का जो कोड है वो आएगा कहां से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे यहां पर आएंगे, यहां पर आपको दिखेगा एक वेब डॉट कॉन्फिक्स करके फाइल, इस फाइल पे आएंगे, यहां पे करेंगे डबल क्लिक। यहां पे हम क्या देंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाते हैं, यहां पर आपको टाइप करना है कनेक्शन, कनेक्शन स्ट्रिंग आपको टाइप करना है, ठीक है, ओके। अब यहां पे लगाना है आपको ऐड पे क्लिक करना है, ऐड, आगे चलेंगे यहां पे लिखेंगे नेम, नेम इक्वल टू हम दे देते हैं एक नेम, कोई भी नाम दे दिया बीएस। अब यहां पे क्या लिखेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग, यहां पर हमको कनेक्शन स्ट्रिंग दे देना है इस तरीके से, डेटा सोर्स, यहां पर आपके सर्वर का नाम, ठीक है। और जो मेरा डेटा सोर्स है वो क्या है, वो है बेसिकली डेल पीसी, तो हम मैं दे देता हूँ डेल पीसी। आप यहाँ पे डॉट भी आप दे सकते हो, ठीक है, वो भी आप दे सकते हो। इनिशियली कैटेलॉग आपके डेटाबेस का नाम, सेल नाम से डेटाबेस मैंने क्रिएट किया था, ओके। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, इट्स अ प्रोवाइडर नेम, हमें आपको यहाँ प्रोवाइड लिखना है, ठीक है। सो प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू, ओके, एसक्यूएल क्लाइंट, ये आपका प्रोवाइडर नेम, परफेक्ट। अब आप इसे सेव कर लोगे, तो यहाँ पर आपका जो डेटाबेस का जो कनेक्शन का कोड था वो मैंने दे दिया। अब क्या करेंगे, अब आएंगे लॉगिन में आ जाते हैं, अब यहाँ पे जो एसक्यूएल कनेक्शन का हम यहाँ पे दे रहे थे, तो ये क्या है, यहाँ पर आपको क्या देना है, आपको यहाँ पे लेना है इट्स वाला ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर आपको नाम देना है। तो क्या नाम दिया था मैंने, बीएस दिया था। उसके बाद लगाएंगे डॉट, ये क्या है आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है, ठीक है। ये तो यहाँ से डेटाबेस का कनेक्शन का कोड उसे मिल जाएगा, ठीक है। जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ से वो एक्सेस कर लेगा, इस वेब डॉट कॉन्फिग्स में जो अभी आपने डिफाइन किया है वो यहाँ पे एक्सेस कर लेगा, ठीक है, ओके। अब ये कनेक्शन का कोड हमारा हो चुका है, अब इसमें क्या करना है, हमें कनेक्शन को ओपन करना होगा और फिर क्वेरी वगैरह सब सारी चीज़ें देनी होगी। अब इससे पहले क्या करेंगे, एक हम एसक्यूएल डेटा एडॉप्टर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, डी ए। फिर हम क्या करेंगे, डेटा सेट भी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, इट्स डी एस इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट, ओके। ये हमने बना लिया, ये भी हमें काम आने वाले हैं। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग, इसका नाम क्या देंगे, क्वेरी, यानी कि क्यू आर, ओके। यूजर अंडर स्पेस टेबल, टेबल का नाम क्या है, यूजर्स टेबल, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू जो यूजर नेम डॉट ट्रिम, ठीक है।
तो यूजर नेम डॉट ट्रिम एक हमने जो ऊपर पैरामीटर दिया है वहां पे, और जो पासवर्ड होगा वो क्या होगा, पासवर्ड डॉट ट्रिम। तो यहां से आपको ये मिल जाएगा यूजर नेम पासवर्ड। अब ये कहां से आ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब नीचे आ जाते हैं, यहां पर आपको क्या देना है, इट्स डी ए इज इक्वल टू क्या देना है आपको, न्यू एस क्यू एल डेटा एडॉप्टर, ओके, ब्रैकेट लगाएंगे। यहां पे क्या देना है आपको, आपको देना है क्यू आर, कॉमा के बाद आपको देना है कनेक्शन कौन, सेमी कॉलम, और किस में करना है, डीएस में फिल करना है, ओके। फिर हमारे पास क्या है, एक इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। इफ कंडीशन में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कोई वैल्यू है कि नहीं। तो डीएस डॉट आपके पास जो टेबल है, टेबल कैसा है, ये एक ही टेबल होगा जो आपने क्वेरी में मेंशन किया है, डॉट रोज है इसमें, और डॉट काउंट नाम का एक मेथड होता है हमारे पास। अगर ग्रेटर देन जीरो मतलब अगर यूजर ने पासवर्ड अवेलेबल होगा तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि जीरो से ज्यादा यानी कि एक होगा, ठीक है। तो आपको ये मेंशन करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पास है ओबीजे डॉट, आपने क्या बनाया है एक इज ऑथर, ठीक है, ऑथराइज यूजर करके एक ऑब्जेक्ट था, इज इक्वल टू आपको इसे क्या करना है, ट्रू कर देना है, ओके भाई ये ट्रू हो गया। अब यहां पर देखो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप चलोगे टेबल में चलेंगे, तो टेबल में आ जाते हैं, डेटाबेस में आ जाते हैं। अब यहां पर आएंगे टेबल में, ओके, टेबल में हमारा जो टेबल था उसका नाम क्या था, टेबल का नाम था यूजर्स टेबल। तो टेबल का नाम आपको ध्यान से आपको देखना है, और यहाँ पे कॉलम को चेक करेंगे तो कॉलम क्या है, यूजर नेम है, ठीक है। तो ये आप याद रखो, यूजर नेम, रोल नंबर, इस तरीके से यूजर आईडी, और यहाँ पे क्या है ये यूजर्स टेबल। तो यहाँ पे क्या देना है, इट्स यूजर्स टेबल, ओके, टेबल है या टेबल से, टेबल से, ओके। तो थोड़ा सा स्मॉल या स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट देखते हैं, अगर ये काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, उसे फिर हम चेंज कर देंगे ना। फिर अब नेक्स्ट होगा आपका ओबीजे डॉट, अब आपके पास क्या है, यूजर आईडी आपको चाहिए। यूजर आईडी कहाँ से आएगा, तो ये इंटीजर टाइप का है, सो डॉट हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में, जो भी कुछ होगा कहाँ से आएगा, डीएस डॉट टेबल, ठीक है, के बाहर आपको सेमी कॉलम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से हमें आईडी मिल जाएगी। अब एक और बच जाता है जो कि है आपका रोल, तो डॉट आपका क्या देना है, यहाँ पे रोल देना है। अब जब सारी वैल्यू मिल जाएगी तो ठीक है, अब कैच में चलेंगे सीधा। कैच में आपको क्या करना है, जो भी आपका ओबीजे डॉट यहां पे है मेरे पास है इज ऑथर, ओके, इज इक्वल टू हम यहां पे फॉल्स कर देंगे, ठीक है, अगर एक्सेप्शन आएगा तो ऑथराइज यूजर को हम कर देंगे फॉल्स। अब फॉल्स के बाद हमें क्या करना है, इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, यहां पे भैया जो हमारे पास ओबीजे है ना, इट्स ओबीजे, इसको हमें रिटर्न कर देना है, परफेक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी सेट करनी है तो क्या करेंगे, इस पैरा जो पैरेंथेसिस से क्लोजिंग वाला, इस ब्रैकेट के बाहर आ जाते हैं। अब यहां पर आपको प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, प्रॉपर्टी कैसे क्रिएट करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रक्ट लॉगिंग डिटेल, अब यहाँ पे पब्लिक इंटीजर, यूजर आईडी के लिए इंटीजर टाइप का होगा, यूजर आईडी गेट सेट कर देंगे, सिंपल एक प्रॉपर्टी हो जाएगी यूजर आईडी के लिए। फिर पब्लिक स्ट्रिंग, तो यूजर नेम कैसा होगा, स्ट्रिंग वैल्यू होगा, स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पे वैल्यू होगा उसका, तो यहाँ पर हम वेरिएबल कैसा बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाएंगे यूजर नेम के लिए, रोल के लिए भी स्ट्रिंग टाइप का बनाएंगे, और जो आपका इज ऑथराइज होगा इसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी, तो इसे हम बुलियन टाइप का बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टी था इसका यहाँ पे सेट हो चुका है, ठीक है, अब सारी चीजें यहाँ पे सही हो चुकी हैं। अभी देखो जैसे मैंने प्रॉपर्टी बनाया, ये जो यहाँ पे एरर आ रहा था ये सब फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, या फिर आप इसे एक सेपरेट क्लास ऐड करके आप वैसे भी इसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें होगी, इस क्लास की हेल्प से हम क्या करेंगे, लॉगिन को चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने ये बना लिया, अब हम वापस चलेंगे फिर से लॉगिन बटन के कोड पे, तो ठीक है डिजाइन पे आ जाते हैं, ये हमारा लॉगिन बटन, यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक, तो आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन क्या किया था, लॉगिन डिटेल, तो लॉगिन डिटेल क्लास मैंने नीचे बनाया है, यहाँ पे लॉगिन डिटेल में तो मैंने क्या दिया था, अगर लॉगिन लॉग में सारा इन्फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे यूजर जो आप वैल्यू दोगे, पासवर्ड दोगे, ठीक है, इज ऑथराइज, तो मतलब यहां से अगर इज ऑथर कहां पर है, ये अगर ये ट्रू होगा इसका मतलब क्या है कि लॉग इन आप हो चुके हो, आप सक्सेसफुली लॉग इन आप कर चुके हो, ठीक है। तो बस वही वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लॉग इन हो जाएगा तो हम यहाँ पे इन ऑब्जेक्ट सेशन ऑब्जेक्ट में सारी वैल्यू रख देंगे और फिर हम होम पेज पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो होम पेज से पहले एक काम और करते हैं, ये जो आपका इसका पेज का लोड इवेंट होगा, एक मिनट, पेज का लोड इवेंट कहाँ पर है क्या, इसमें यहाँ पे जो पेज का लोड इवेंट होगा ना, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लगाना है ट्राई ब्लॉक, सॉरी इट्स
ट्राई ब्लॉक लगाना है, और ट्राई के साथ क्या होगा, कैच। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जब पेज आएगा ना, तो हम यहाँ पे, ये कौन सा पेज है, लॉगिन पेज है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो जब ये लॉगिन पेज लोड हो ना, तो हमें क्या करना है, सेशन, सारे सेशन को रिमूव कर देना है। हाँ ये ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुकीज को रिमूव कर देंगे यूजर वाला, और सारा जो सेशन होगा सारे सेशन को रिमूव कर देंगे। क्यों, क्योंकि लॉगिन करने जा रहे हो ना, तो सब कुछ रिमूव कर दो, और फिर से जब आप लॉगिन करोगे, आपका लॉगिन सक्सेसफुल होगा, देन हम आपका सेशन फिर से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम पे चलेंगे, एक सेलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म। अब ये जो वेब फॉर्म होगा, इसका नाम क्या देंगे, होम डॉट xpx। अब एक चीज यहाँ पे और आप ध्यान में रखना, हम ऐड करेंगे मास्टर पेज, तो ये जो चेकबॉक्स है इसे सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे आएंगे, तो आपको दिखाएगा एक मास्टर पेज। मास्टर पेज कौन सा, मेन मास्टर डॉट मास्टर, ये हमारा मेन मास्टर पेज है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। परफेक्ट, ये मैंने ऐड कर लिया। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है दो कंटेंट प्लेस होल्डर, ओके, तो हम इसे सेव कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे जो भी आप डिजाइन अब बनाना चाहते हो, उसका कोड हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये मैंने कोड मेंशन कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसकी जो डिजाइन होगी आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये। ठीक है, हमने क्या किया, बैकग्राउंड पे एक लगा दिया, बेसिकली एक इमेज लगा दिया हुआ है, और आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। परफेक्ट, तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो होम पेज है ना, होम पेज हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम चलेंगे, फिर से लौटेंगे अपने मास्टर पेज की तरफ। जो हमारा मास्टर पेज है ना, इस मास्टर पेज पे हमें कुछ और भी चीजें यहाँ पे करनी है। मैं चाहता हूँ जब भी हमारा मास्टर पेज लोड हो, बेसिकली हुआ क्या रहा है कि जो हमारा होम पेज है, इस होम पेज में हमने इस मास्टर पेज को लगाया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपली वो कोड जो है मास्टर पेज पे लिख दें, पेज के लोड इवेंट पे ही हम कोड लिख दें, जहां से हम ऑथेंटिकेट कर सकें कि बंदा लॉगिन है या नहीं, उसका सेशन है या नहीं। ठीक है, उसका रोल क्या है, ये सब सारी चीजें हम मास्टर पेज पे ही कर देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करेंगे, मास्टर पेज के लोड इवेंट पे चलेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, लोड इवेंट पे चलेंगे मास्टर पेज के, तो हम आ चुके हैं मास्टर पेज के लोड इवेंट पे। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ यहाँ पे नेम स्पेस लिखने हैं, तो चलेंगे लॉगिन पे, और लॉगिन से हमें जो नेम स्पेस लिखना है ये हम कॉपी करेंगे, और मास्टर पेज के यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। पर लोड इवेंट है पेज का, मास्टर पेज का लोड इवेंट। अब इसके लोड इवेंट से पहले हम क्या करेंगे, हमें बनाना है एक वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बनाया पब्लिक स्ट्रिंग, इसका नाम जो है माई रोल, और इनिशियली इसे ब्लैंक कर दिया है। ठीक है, अब हम चलेंगे पेज के लोड इवेंट पे। देखो जब हमारा पेज लोड करेगा ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और इस इफ का यहाँ पे इफ कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले हम चेक करेंगे, सेशन चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिखना है आपको सेशन, और यहाँ पे हमें चेक करना है यूजर आईडी चेक करना है। ठीक है, ब्रैकेट में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नल हो। ठीक है, मतलब यूजर आईडी नल है, यानी कि आपने लॉगिन नहीं किया। जब आपने लॉगिन नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, आपको हम रिडायरेक्ट कर देंगे लॉगिन वाले फॉर्म पे, हम आपको यहाँ पे लॉगिन डॉट aspx। ठीक है, हम आपको लॉगिन पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देंगे उस कंडीशन में जब आपका सेशन यहाँ पे नल होगा। ओके, अब अगर आपका सेशन नल नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग दिया ट्राई ब्लॉक का। ठीक है, ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या लिखेंगे, एक इफ ब्लॉक लगाएंगे, यहाँ पे क्या देना है इफ में, आपको क्या करना है, इट्स ठीक है यूजर, अगर ये क्या होगा ऑथराइज यूजर होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये ऑथराइज यूजर मतलब वो यूजर जो है उसका यूजर एंड पासवर्ड डेटाबेस में अवेलेबल है, बट आपके पास क्या है, आपके पास तीन तरह के यूजर हैं, तीन चार तरह के, एक होगा सेल्समैन, एक होगा मैनेजर, और एक होगा एडमिन। तो हम क्या यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे स्विच केस। ठीक है, स्विच केस यूज करेंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे स्विच, स्विच में क्या देंगे, और इफ रोल डॉट टू स्ट्रिंग, अगर ये स्ट्रिंग टाइप का हुआ तो अब नीचे आ जाते हैं, इट्स क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, रोल में जो भी हो, अगर मैनेजर मैनेजर लॉगिन करेगा, तो उसका रोल क्या होगा, मैनेजर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ये। अब यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको केस बनाना है। ठीक है, तो पहला केस क्या कह रहा है, पहला केस कह रहा है कि ये आपका डबल कोटेशन में यहाँ पर क्या होगा, सेल्स होगा। अगर ये सेल्स हुआ, तो क्या करना है, आपके पास जो वेरिएबल है माय रोल करके, माय रोल इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे कोड देना है, कोड लिखना है कुछ। ठीक है, आपका रोल क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स अ ब्रेक। ओके, फिर दूसरा केस आता है हमारा, दूसरा केस जो आता है वो आता है आपके मैनेजर का, इट्स सॉरी मैनेजर। ओके, तो सेकेंड केस, फिर यहाँ पे आपके पास जो माय रोल है, तो बेसिकली जो रोल वाला देख रहे हो माय रोल, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें बेसिकली अगर मैनेजर लॉगिन करेगा, तो हमें मैनेजर के लिए जो मेनू है वो आपको वहां पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेल्समैन लॉगिन करता है, तो सेल्समैन के लिए जो भी अवेलेबल मेनू है हमें वो देना है। अब उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, अगला जो केस है, एक मिनट, इट्स अ ब्रेक। तो गाइस जब यहाँ पे देखो, जब सेल्समैन लॉगिन करेगा, तो मैंने यहाँ पे कोड क्या लिखा है, एक बार कोड ध्यान से देखना।
तो यहाँ पे देखो मैं लिखा है माई रोल के अंदर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन में एक यूएल क्लास लिखा है जिसका नाम क्या दिया, नेव बार, ठीक है। एक मेनू बना रहे हैं, उसकी आईडी क्या है, एम यूजर, और इसके अंदर देखो मैंने क्या दिया, एल आई में एच आर ई एफ में होम पेज है डॉट एक्स पी एक्स, ठीक है, होम पेज यहाँ पे दे दिया होम। फिर एक दूसरा मेनू बना रहे हैं एच आर ई एफ, ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन टाइप, फिर क्लाइंट टाइप हो जाएगा ये, और यहाँ पर तीसरा बना रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, ठीक है, एक और बना रहे हैं प्रपोजल के लिए, ओके, और एक और बना रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए। तो इतनी सारी मेनू हमने बना दी है, ये जो मेनू है बेसिकली ये क्लाइंट्स, ये सेल्समैन से रिलेटेड मेनू है, ठीक है। अब सेम कंडीशन अगर यहाँ पे मैनेजर लॉगिन करता है तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी ऐसे ही मेनू यहाँ पे देने हैं। यहाँ पे देखो मैनेजर के लिए क्या दिया, मैंने सेम मैनेजर के लिए यहाँ पे यूएल लगाया, क्लास नेब बार नेब, आईडी क्या है एम मैनेजर, ठीक है। एक एल आई टैग के अंदर क्या दिया, आचार्य एफ होम पेज होगा इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएट सेल यहाँ पे सेल्स हो गया, एक फॉर्म होगा पेज होगा उसका नाम क्रिएट सेल हम देंगे, अभी हम उसे बनाएंगे। फिर यहाँ पे एक दे देंगे, यहाँ पे अनाउंसमेंट दे देंगे, दो यहाँ पे हमने दे दिया मैनेजर के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एडमिन के लिए, अब एडमिन के लिए क्या क्या देंगे हम वो भी सेट कर लेते हैं। एडमिन लॉगिन करेगा ना, तो एडमिन के लिए आपको यहाँ पे देना है, पहला तो आपको क्लास का नाम सेम देना है, तो पहला जो आएगा आपका वो होम पेज रहेगा, पहला मेनू होम पेज। जो दूसरा मेनू देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, दूसरा मेनू ये हो रहा है क्रिएट मैनेजर, ठीक है। तो एडमिन क्या कर सकता है, यहाँ पे मैनेजर को क्रिएट कर सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो हमें एक डिफॉल्ट लगाना है, ठीक है। अब अगर क्या होगा, इनमें से कोई भी केस अवेलेबल नहीं है तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद आपको ऐसे ब्रेक कर देना है, ठीक है, ये ब्रेक कर देना। अब जरा सा एक बार यहाँ से ध्यान से देखना, मैं कैच ट्राई कैच लगा रहा हूँ ना, ट्राई कैच, एक मिनट, यहाँ से तो ये हो गया इसका ओपनिंग क्लोज, और ये हो गया इसका ओपनिंग क्लोज, और इसके बाद ये हो गया आपके ट्राई ब्लॉक का। जब ट्राई है तो ट्राई के साथ क्या होगा, कैच भी होगा, तो लगाएंगे कैच ब्रैकेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्सेप्शन और ईएक्स, और इसके बाद आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन आता है तो हम क्या करेंगे, बंदे को लॉगिन पेज पे मूव कर देंगे, ओके। अब आप समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने इसे सेट कर दिया है, ठीक है, परफेक्ट। अब ये यहाँ पे सेट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये हमारा पेज तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे ना, अब हमारे पास जो लॉगिन फॉर्म है, इस लॉगिन फॉर्म को हम रन करेंगे, तो व्यू इन ब्राउजर पे चलेंगे, ब्राउजर पे आ चुके हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए सबसे पहले तो मेरे पास क्या था, एक तो था कि अगर आप एडमिन को इंटर करते हो, ठीक है, आपने लिखा एडमिन, और पासवर्ड भी क्या है इसका, एडमिन एट द रेट 123, ठीक है। तो एडमिन यूजर नेम, पासवर्ड एडमिन एट द रेट 123, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ओके। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो ये आपके एडमिन के लिए, ठीक है, एडमिन यहाँ से लॉगिन कर लिया, उसको यहाँ पे मेनू दिख रहे हैं बकायदे, ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट का बटन, ये सब सारी चीज़ें, बट अभी के लिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, अब तो अभी तो एडमिन लॉगिन किया था, पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि जब हम एडमिन को ना करके मैनेजर को लॉगिन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैनेजर, और मैनेजर 123 हमारा पासवर्ड है, मैनेजर एट द रेट 01 ये हमारा पासवर्ड, यहाँ पे किया लॉगिन। तो अब जो हम लॉगिन कर रहे हैं तो ये किससे कर रहे हैं, मैनेजर से लॉगिन कर रहे हैं, तो मैनेजर के लिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, वेलकम मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजर के लिए कुछ अलग यहाँ पे मेनू दिखाई दिए गए हैं, बाकी लॉगिन सबका सेम है, ठीक है, ये अनाउंसमेंट, ये सेल है। और अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पेज हम बनाएंगे, जैसे कि सेल बनाएंगे या अनाउंसमेंट बनाएंगे, ठीक है, तो ये सब सारे पेजेस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और लॉगआउट भी क्रिएट करेंगे, तो अभी हम लॉगिन कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, आपने देख लिया, ओके। तो क्या करेंगे, अब हम एक नया यहाँ पे फॉर्म ऐड करेंगे जिसका नाम होगा क्रिएट सेल, तो एक वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, इसे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लेंगे हम मास्टर पेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो पेज का नाम क्या है, क्रिएट सेल, ऐड पे आएंगे, मास्टर पेज यहाँ पे ऐड करेंगे, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा, तो गाइज ये आपको मिलेगा दो कंटेंट प्लेस होल्डर, ठीक है, एक होगा हेडर के लिए, एक होगा आपके फुटर के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है, उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, आपको मेरे ब्लॉग पे ये सारा का सारा सोर्स कोड मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा अपने ब्लॉग का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये जो है, ये पहला जो कंटेंट प्लेस होल्डर है, यहाँ पर आपको लिखना है सीएसएस का कोड, तो यहाँ पे हम कुछ सीएसएस का कोड जो होगा वो मैंने यहाँ पे दे दिया है डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, ये कोड भी आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर है सेकेंड वाला, यहाँ पर आ जाते हैं, कर दिया है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो डिजाइन का कोड होगा, एचटीएमएल का जितना भी टैग वगैरह होंगे वो सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे डायनेमिक कोड पे फोकस कर रहा हूँ,
ठीक है, तो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप फ्री हो। तो गाइज ये भी यहाँ पर देखो, जब ये मैं फॉर्म ये क्रिएट करूंगा, क्रिएट सेल वाला मैंने फॉर्म क्रिएट किया, बेसिकली बैकग्राउंड पे क्या लगा रखा है, मैंने इमेज लगा रखा है, ठीक है, और इमेज के ऊपर मैंने क्या बना दिया, डिज़ाइन बना दिया है बेसिकली। तो यहाँ पे जो बेसिकली मैंने कंट्रोल लिए हैं, मैं आपको दिखा दूँ, वो मैंने तो लिया है, पहले तो एक बटन है मेरे पास, फिर एक ग्रिड व्यू लिया है मैंने, और फिर एक लिया है मैंने एसक्यूएल डेटा सोर्स लिया है, ठीक है। क्या लिया, एक ग्रिड व्यू, एक बटन और एक एसक्यूएल डेटा सोर्स, ये डिजाइन आपको इस तरीके से दिखेगी। अब देखो यहाँ पर एक काम आपको क्या करना है, आपको चलना है सोर्स कोड में चलना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एसक्यूएल डेटा सोर्स लिया है, ठीक है, एसक्यूएल डेटा सोर्स लिया है, और यहाँ पे देखो मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है कनेक्शन स्ट्रिंग कोलोन कनेक्शन सेल कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना सेल कनेक्शन स्ट्रिंग, ये क्या है, ये बेसिकली मैंने एक और यहाँ पे अपने वेब डॉट कॉन्फिक्स में एक और क्या कहते हैं उसे, कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना, जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, ये फॉर्म आपने क्रिएट किया, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो ये कनेक्शन स्ट्रिंग क्या नाम है यहाँ पे, सेल सेल्स कनेक्शन स्ट्रिंग। तो आप क्या करोगे, चलोगे वेब डॉट कॉन्फिक्स में आ जाओगे यहाँ पे, परफेक्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको ये जो आपने कोड लिखा है ना, ये वाला कोड, इस कोड को कॉपी कर लो, ये कोड आपने यहां से यहां तक कॉपी किया, कॉपी कर लेते हैं, अब यहां पे नीचे आ जाते हैं और नीचे यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये कोड मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया, परफेक्ट, कोड मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये जो नाम देख रहे हो ना, इसका नाम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे क्रिएट सेल में। अब यहां पर देखो कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या दिया है मैंने, कोलोन के बाद जो नाम है ना सेल कनेक्शन स्ट्रिंग, ये वाला नाम कॉपी करेंगे। अब इसी नाम को कॉपी करके यहां पे हम पेस्ट कर देंगे, परफेक्ट, ठीक है, हमारा इसी डेटाबेस से वो आ रहा है। तो हमने एक और कनेक्शन स्ट्रिंग बना दिया इसके लिए, जब हम किसी कंट्रोल को डायनेमिक बाइंड करते हैं या फिर एसक्यूएल डेटा सोर्स को डायनेमिकली बाइंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर देता है वेब डॉट कॉन्फिक्स में, ठीक है। तो हमने उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया, ताकि हम मेरे प्रोजेक्ट से आप जब बनाओ तो कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। अच्छा, आप चाहो तो ये जो पुराना आपने जो क्रिएट किया था ना, ये इससे पहले आपने बीएस जो क्रिएट किया था, तो आप चाहो तो यहाँ पे बीएस भी दे सकते हो। तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे भी आप बीएस लिखोगे, और यहां पर आने के बाद यहां पे भी क्या दोगे, यहां पे भी आपको बीएस लिखना पड़ेगा, बस कुछ है होता नहीं उससे, बस आपको चेंज करना होता है, ठीक है। बट अगर टू द पॉइंट, कभी ऐसा ना हो कि आप मेरा कोड ये डाउनलोड कर लो फिर आपको एरर मिले, आपको कि सर यहाँ पे एरर आ रहा है, तो उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्लास, हमारा ये पेज इसकी डिजाइनिंग यहाँ पे पूरी तरीके से हो चुकी है। अब हम इसके डायनेमिक कोड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस हम क्या करेंगे ना, इसके पेज के लोड इवेंट पे चलेंगे। तो यहाँ पर आएंगे व्यू कोड पे आ जाते हैं, तो हम आ चुके हैं पेज के लोड इवेंट पे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नेम स्पेस यहाँ पर आपको लिखने होते हैं, यूजिंग आपका क्रिएट सेल वाला पेज जब लोड हो तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि उसका सेशन क्रिएट है कि नहीं। अगर वो सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो उसका सेशन होगा, और सेशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेशन चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई अगर उसका सेशन जो यूजर आईडी होगा अगर ये नल होगा तब तो हम उसे लॉगिन पेज पे भेज देंगे, ठीक है। नल होगा तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, इफ कंडीशन ट्रू होगा तो हम लॉगिन फॉर्म पे मूव कर जाएंगे। बट अगर उसका सेशन क्रिएटेड होगा, सेशन क्रिएट होगा उसमें कोई वैल्यू होगी तो हमारा ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हम इस इफ से बाहर आएंगे। तो यहां पर क्या दिया मैंने, यह जब देख लो लाइब्रेरी डीबी, ये लाइब्रेरी डीबी मैंने क्या दिया है, आप यहां पर आ जाओ सेल्स में, ठीक है, डिजाइन पे चलो। यहां पे जो मैंने यूज किया हुआ है डिजाइन में एसक्यूएल डेटा सोर्स जो लिया हुआ है, इस एसक्यूएल डेटा सोर्स का नाम क्या है, आईडी क्या है, लाइब्रेरी डीबी। तो कोई भी नाम रख सकते हो, नाम यूजर फ्रेंडली है, आप जो दिल करे वो नाम रख लो, ठीक है। तो बस सिंपल, या तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल डेटा सोर्स लिखू या फिर उसके आईडी से हम उसे कॉल कर लेते। यहां पर मैंने लिखा कि जो आपका कंट्रोल जिसका नाम क्या है, जिसका आईडी क्या है, लाइब्रेरी डीबी डॉट, इसमें जो सेलेक्ट कमांड है, इसमें सेलेक्ट कमांड मैंने क्या दिया है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल, जहां से आपका रोल जो हो सेल्स हो और जो क्रिएटेड आईडी जो हो उस सेशन में जो आईडी है वो। तो यहां से हम क्या करेंगे, उस बंदे का रोल और आईडी जो है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा। अब गाइस ये हो चुका है हमारा, इसे हम सेव करेंगे, चलेंगे फिर से यहां पर आ जाते हैं। अब आपके पास एक बटन था, बटन का नाम क्या था, ऐड बटन, ठीक है। तो हम यहां पर आ जाते हैं, यहां पे इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक, तो ऐड बटन का क्लिक इवेंट आ गया। अब इस बटन के क्लिक इवेंट पे जो जो कोड है, मैं फटाक से यहाँ पे सब सारा कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो रही है इस वजह से। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ट्राई कैच ब्लॉक बेसिकली लगाना है आपको। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कोड आपको करना है यहाँ पे। तो देखो बटन पे क्लिक इवेंट पे पहले आप लगाओगे एक ट्राई ब्लॉक, ठीक है, एक ट्राई ब्लॉक ये लगाया और इस ट्राई ब्लॉक का कैच आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम आ जाते हैं, पहले हमने क्या दिया, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और यहाँ पर आपका जो
कनेक्शन जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपका जो आपने क्रिएट किया हुआ है सेल कनेक्शन स्ट्रिंग, वहां से आ रहा है। तो बेसिकली हमने दो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए हैं। अगर आपको ग्रिड व्यू, कम्बो बॉक्स, डेटा सोर्स, इन सबको अगर आपको बाइंड करना है तो उसके लिए एक अलग से एक दूसरा कनेक्शन मैंने दे दिया है उसी का एक दूसरा बना दिया, कॉपी बना दिया, भैया आप यहां से आओ, आप यहां से, दो रास्ते मैंने बना दिए एक ही डेटाबेस के, ठीक है। तो बस यहां पे मैंने दे दिया ये। अब इसके बाद यहां पे क्या कर रहा है कि ग्रिड व्यू में आपको पता ही है कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप प्रीवियस जाके कोई भी ASP.NET का प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो। तो यहां पर कह रहा है कि जो आपका SQL कमांड का ऑब्जेक्ट है इक्वल टू न्यू, यहां पे इंसर्ट का क्वेरी आपने दे दिया, इंसर्ट इनटू यूजर टेबल, क्या इंसर्ट करना, यूजर नेम, पासवर्ड, रोल और क्रिएटेड आईडी, ये सब सारी चीजें। और फिर आपने पैरामीटर सेट कर दिया, पैरामीटर कहां कहां से वैल्यू आ रही है, सारी वैल्यू यहां से मिल जाएंगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू मिल गई, अब लगाएंगे मैंने एक ट्राई ब्लॉक, फिर से ट्राई ब्लॉक। तो आप ट्राई ब्लॉक के अंदर मल्टीपल आप ट्राई ब्लॉक लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। तो ये आ गया ट्राई ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या किया, कनेक्शन को ओपन किया, फिर जो भी आपका जो रिकॉर्ड है उससे क्या किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया डेटाबेस में। अब फिर हम क्या करेंगे, ग्रिड व्यू को बाइंड करेंगे, ग्रिड व्यू को बाइंड कर दिया, फिर जो सारे यूजर नेम आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स था और नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स था उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एम्प्टी कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, कोई एरर आएगी, तो ये आपका कैच ब्लॉक है ही, उसे हैंडल कर लेगा। फिर लास्ट में मैंने यूज किया फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या होगा, आपका कुछ भी हो जाए, रन करे ना करे, पर आपका कनेक्शन लास्ट में क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे आप सेव कर लोगे परफेक्टली। अब ओके, तो अगर मैं मैनेजर को लॉगिन कराता हूं, तो पहले मैनेजर को देखते हैं। तो यहां पे मैनेजर भाई साहब करेंगे लॉगिन। ओके, मैनेजर ने लॉगिन किया, तो यहां पर देखो मैनेजर के लिए क्या है, सेल है, तो सेल्स पे क्लिक करेगा, तो क्या आ गया, क्रिएट सेल वाला फॉर्म यहां पर आ चुका है। अब वो सेल क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, जैसे कि किसको किसको आप ऑथोराइज देना चाहते हो, तो मैंने कहा कि भाई एक बंदा है जिसका नाम क्या है, इट्स ए कोडर बाबा, और पासवर्ड दे देते हैं 123, ये पासवर्ड दिया। इस बंदे को ऐड करना है, तो कौन ऐड करेगा, मैनेजर की जिम्मेदारी है, वो ऐड करेगा, ठीक है। तो यहां पर ऐड पे क्लिक किए, तो वो बंदा यहां पर देख सकते हो, नीचे ये बंदा यहां पर ऐड हो चुका है। और ये जो डिजाइन है, बूट स्टेप की डिजाइन है, मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर आपको एडिट करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है इसमें, तो एडिट पे आएंगे, परफेक्ट। अब यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है, मैं वो यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ, मैंने कहा cb@123, अब ये पासवर्ड रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, अपडेट करेंगे, तो इसका पासवर्ड अपडेट हो चुका है। इस तरीके से आप नए बंदे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी सेल हो गया। अब मैनेजर के लिए हम अनाउंसमेंट को भी चेक कर लेते हैं, कैसे क्या है, मैंने अनाउंसमेंट करना है, ठीक है। तो चलेंगे अपने विजुअल स्टूडियो में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्रिएट सेल है ये काम कर रहा है, बनाने वाले हैं अनाउंसमेंट के लिए। तो अगर आपको याद होगा, अगर आप चलोगे यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, मास्टर पेज पे आ गए, और मास्टर पेज के हम चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड पे चलेंगे। तो यहाँ पे जो आपने इफ कंडीशन यहाँ पे बनाया था, स्विच कंडीशन आपने क्रिएट किया था, तो मास्टर के लिए आपने कितने मेनू डिसाइड किए थे, तो आपने डिसाइड किया था यहाँ पे एक तो था क्रिएट सेल, ओके, और एक था आपका अनाउंसमेंट। तो जब अनाउंसमेंट पे आप क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन होगा, इसका नाम क्या होगा, comment.exe, ठीक है। तो अनाउंसमेंट के लिए हम comment.exe से एक पेज यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम, ओके, और ये ले लिया मैंने, इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम दिया मैंने कमेंट। आप चाहो तो इसका नाम अनाउंसमेंट भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने comment.exe कर दिया, यहाँ पे मास्टर पेज ऐड कर लेंगे, ओके, ये आ चुका है। अब इसकी डिजाइनिंग हम कर लेते हैं, डिजाइनिंग का कोड मैं आपको दे दूंगा, आपको उसकी टेंशन ना बिल्कुल भी ना ले, बस आप सिर्फ कोड पे फोकस करें। और वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को फैलाना है दूर तक, शेयर कर दीजिए सबको, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इसकी डिजाइनिंग हम कर लेते हैं, ओके लोग, डिजाइन यहाँ पे हो चुका है, मैं आपको दिखा दूँ। तो सबसे टॉप पे जो कंटेंट प्लेस होल्डर है उसमें मैंने यहाँ पे CSS का कोड दे रखा है स्टाइल में, और जो सेकेंड कंटेंट प्लेस होल्डर है इसमें मैंने कुछ डिजाइन यहाँ पे बना रखा है, यहाँ पे सेल अनाउंसमेंट होगा, कमेंट जो भी होंगे वो आप यहाँ पे दे सकोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे ग्रिड व्यू लिया है मैंने, ग्रिड व्यू के बाद लिया है मैंने SQL डेटा सोर्स लिया ले रखा है। और आपको डिजाइन में इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक बटन है, एक ग्रिड व्यू है, और एक SQL डेटा सोर्स है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कोड हम जो है डायनेमिक कोड वो हम देखेंगे। तो आपको वही काम करना है कि आपको चेक करना है उसका कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं, मतलब वो बंदा लॉगिन होगा तो उसका जो सेशन ऑब्जेक्ट होगा उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने वही सेम आपको कोड लिखना है फिर से,
इफ कंडीशन के अंदर सेशन आईडी डज नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू अगर नल होगा तो लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आपका एक एसक्यूएल डेटा सोर्स है उसमें जो सेलेक्ट कमांड है वो कमांड यहाँ पे आप देख लो, आपको सेलेक्ट करना है आईडी मैसेज, फिर कन्वर्ट करेंगे उसे एनवायर केयर और डेट एंड टाइम में 1 to 1 कर देंगे, तो पहले डेट आएगा, टाइम आएगा, फिर डेट मंथ और फिर ईयर आएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से ये एक एक कन्वर्जन टेक मेथड है, 1 to 1 कर देंगे ना तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा डेट एंड टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे एज अ डेट टाइम क्रिएटेड यूजर आईडी फ्रॉम अनाउंसमेंट टेबल से वेयर क्रिएटेड यूजर आईडी इक्वल टू एट द रेट सेशन में जो यूजर आईडी होगा वो, तो यहाँ से जो बंदा होगा ना लॉगिन किया हुआ उसका यहाँ पर आ जाएगा, सेलेक्ट कर लेंगे उसका आईडी मैसेज सब कुछ। अब ये कोड आपको देना है, इस कोड की हेल्प से आप जिसका जो भी बंदा लॉगिन होगा ना क्रिएटेड यूजर आईडी, ठीक है, जो बंदा लॉगिन होगा उसकी आईडी क्या है, उस आईडी के हिसाब से उसके लिए क्या अनाउंसमेंट है वो उसे यहाँ पे दिखाई जाएगी, ठीक है, और किस डेट को क्या अनाउंसमेंट आया सब सारी चीज़ें आपको उसे यहाँ पे दिखेगा। तो ये हो चुका है, इसे हम सेव कर लेंगे, तो में आ जाएंगे, ये जो आप बटन देख रहे हो ना पब्लिश बटन, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक, बटन का क्लिक इवेंट आ गया। अब यहाँ पर फिर से आपको ट्राई और कैच ब्लॉक आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, मैं आपको बता देता हूँ कोड क्या है। तो ट्राई ब्लॉक में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये आपको चेक करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड आपने दिया, उसके बाद आपने इंसर्ट का कोड दिया, ठीक है, इंसर्ट इनटू अनाउंसमेंट टेबल मैसेज अनाउंस मैसेज डेट, और जो बंदा अनाउंसमेंट क्रिएट कर रहा है उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एंटर कर दो, फिर हम पैरामीटर क्रिएट करेंगे। ओके, पैरामीटर के बाद फिर से हमने क्या किया, फिर से हमने ट्राई ब्लॉक लगा दिया, मान लो इंसर्ट करते वक्त हमारा एरर आता है तो ये इसे हैंडल कर लेगा, तो यहाँ से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, सारे रिकॉर्ड को सेव करेंगे, फिर ग्रिड व्यू को बाइंड करेंगे, एंड देन यहाँ पे क्या है आपका ये कंट्रोल को इम्पटी कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कैच ब्लॉक में आप चाहो तो इसमें मैसेज भी दे सकते हो, पर मैं यहाँ पे सिंपली से ब्लैंक कर दिया, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई कुछ मत बताओ, रहने दो। बट बेस्ट तरीका क्या है, आप यहाँ पे एक लेबल लगा सकते हो और उस लेबल में आप जो भी मैसेज है उसे आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, आपका डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज कर देगा, और देन यहाँ पर ये वाला आपका मेन जो कैच ब्लॉक है ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कमेंट भी यहाँ से सक्सेसफुली हो चुका है, अब हम इसे सेव कर लेते हैं, अब कमेंट को हम रन करके देखते हैं, ठीक है, लिया है लॉग इन। ओके, तो अभी क्या चलेंगे, अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे, तो अभी जो आपने अनाउंसमेंट वाला फॉर्म क्रिएट किया था वो आ चुका है, अनाउंसमेंट मैनेजमेंट मैनेजर लॉग इन है इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो बाकी मैसेज है, और तो अब यहाँ पे देखो कुछ हम देना है हमें, तो मैंने बोल दिया कि भाई टुमारो या फिर 26 कुछ भी दे दो, और ये मैंने कर दिया पब्लिश, ठीक है। तो देखो यहां पर आप देख सकते हो एक जो आपने अनाउंसमेंट दिया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, आप इसे एडिट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे तो आप इसे एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो ये 50% से ना हो के भैया ये 80% ऑफ सेल है, अब क्या करेंगे यहाँ पे अपडेट बटन, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, आपका मैसेज जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्लास। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अनाउंसमेंट बना लिया, सेल बना लिया, होम पे चलेंगे तो आपका होम बटन, ठीक है, ये आपका होम बटन है, ये आप हो, और लॉगआउट पे आपको ये भी हम सेट कर देंगे, लॉगआउट पे क्लिक करते ही क्या हो आपका रिडायरेक्ट हो जाओ आप लॉग इन फॉर्म पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करो और इस पे लॉगआउट पे क्लिक करते ही बेसिकली वो हाइपर लिंक है, और आप लॉग इन यहाँ पे लॉग इन जो फॉर्म है यहाँ पर आप मूव कर जाओगे, ओके। तो ये अभी तक हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट अब हम क्रिएट करेंगे इसमें। तो गाइज यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं एक नया पेज ऐड करेंगे, और इसका नाम हम देंगे क्रिएट क्लाइंट, ओके, क्रिएट क्लाइंट, और यहाँ पर हम मास्टर पेज ऐड कर लेंगे, परफेक्ट। तो ये आ चुका है, अब इस फॉर्म का हम डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइनिंग है क्रिएट क्लाइंट वाले फॉर्म की वो मैंने कर दिया है यहाँ पे, ओके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कोड मिल जाएगा, तो आप फॉर्म की डिज़ाइनिंग आराम से कर लोगे। अब मैं आपको इसका डिज़ाइन आपको दिखाता हूँ कैसे आपको दिखेगा, यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, एक टेबल बना दिया इस तरफ जहाँ पे आप वैल्यू इंसर्ट करोगे, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने लिया एक ग्रिड व्यू और एक डेटा सोर्स, और यहाँ पर एक बटन, ओके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे दो हमने लिया डेटा सोर्स, एक है यहाँ से आप टाइप सेलेक्ट कर सकोगे और एक यहाँ पर है, ठीक है, तो ओके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तभी के लिए क्या करते हैं इसे हम सेव कर लेते हैं। अब इसका डायनेमिक कोड की तरफ हम बढ़ देंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, चलते हैं व्यू कोड की तरफ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ने यहाँ पे कुछ नेम स्पेस ऐड करने हैं, तो दो नेम स्पेस हम यहाँ पे कर लेते हैं ऐड, ये हमारे नेम स्पेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, ओके। अब आते हैं हम पेज के लोड इवेंट पे, तो पेज के लोड इवेंट पे आपको क्या करना है, उसका चेक करना है ना कि बंदे ने लॉगिन किया कि नहीं, उसका सेशन अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। देखो तो यार यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो हमारे पास दो डेटा सोर्स हैं, एक तो ये है एसक्यूएल डेटा सोर्स,
और एक आपका ये है एसक्यूएल डेटा सोर्स। ठीक है, एक से क्या करेंगे, एक से तो जो बंदा लॉगिन है पहले हम उसकी डिटेल निकालेंगे, ठीक है, और फिर एक से यहाँ से टाइप की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब ये कि पेज के लोड इवेंट पे पहले चेक करो सेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने कोड दे दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सेशन चेक किया, अगर होगा तब तो सही है, नहीं होगा तो लॉगिन पेज पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे जो जो पहला आपका है एसक्यूएल डेटा सोर्स लाइब्रेरी वाला, इसमें सेलेक्ट कमांड में क्या दिया आपने, कहा सेलेक्ट करो आईडी नेम क्रिएटेड यूजर आईडी, फिर यहाँ पे कन्वर्ट करो कैरेक्टर में, ठीक है, कन्वर्ट करो डेट एंड टाइम में, टाइम स्टैम्प में। ओके, तो यहाँ पर उसका आपने दे दिया कन्वर्ट करना है, किस किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है वो भी आपने दे दिया एज टाइम स्टैम्प। फिर यहाँ पे डीबीओ डॉट ये क्या है एफ एन गेट टाइप फंक्शन जो है एक आपका गेट टाइप, उस फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ से आपको टाइप मिल जाएगा एज सी टाइप, फिर यहाँ पे चांस टू क्लोज, अच्छा ई बजट ड्यूरेशन कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट ये आपके कॉलम के नेम है, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन नोट, ठीक है, फ्रॉम क्लाइंट टेबल से लेंगे ये सब सारी चीजें, वेयर क्रिएटेड यूजर क्रिएटेड यूजर आईडी इज इक्वल टू जो सेशन में होगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब क्या लेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर बाई नेम, और वो नेम से जैसे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में होंगे। तो एक तो आपको ये बनाना है, एक बना लेंगे इससे आपको टाइप आ जाएगा सब कुछ, फिर उसके बाद यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन ग्रिड व्यू में शो होगा इससे। और जो दूसरा है वो क्या करेगा, वो करेगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करेगा ऑप्शन आईडी, तो जितने भी ऑप्शन टाइप हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, और उन सबको हम यहाँ से लेके उसे हम कम्बो बॉक्स जो है हमारे पास उसमें हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़, ये हो गई। अब चलेंगे यहाँ पर जो आपके पास ये जो बटन है इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक, ऐड वाले बटन पे। अब यहाँ पे भी आपको सेम कोड लिखना है बेसिकली ट्राई कैच के अंदर, यहाँ पे कोड हमारा आ जाएगा वो क्या होगा, देखो सबसे पहले हमें लगाना है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक ओपन किया और यहाँ पे किया ट्राई ब्लॉक क्लोज, और उसके बाद यहाँ पर कैच ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो ट्राई ब्लॉक है इसके अंदर आपको पता ही क्या करना है, पहले तो कनेक्शन का कोड देंगे हम अपने, ठीक है, ये आपको तो देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्वेरी लिखा कि क्या क्या इंसर्ट करना है डीबीओ क्लाइंट टेबल में, ठीक है, नेम करना है, यूजर आईडी करना है, टाइम स्टैम्प सी टाइप, ठीक है, चांस टू क्लोज ई बजट ड्यूरेशन कॉन्टेक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है सारी चीजें हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। वैल्यू कहाँ से आएगी, तो हम पैरामीटर यहाँ पे बनाएंगे। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट में थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपको दिखता रहे। ओके, तो ये कुछ कॉलम नेम है यहाँ पे, अब वैल्यू के बाद पैरामीटर यहाँ पे देख सकते हो, नेम टाइम स्टैम्प सी टाइप चांस टू क्लोज ई बजट ड्यूरेशन कॉन्टेक्ट नेम मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन नोट, और नोट के बाद लास्ट में क्या है आपका कनेक्शन का कोड। ठीक है, ये है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर हमारा ये क्वेरी हो गया, फिर सबके लिए हम पैरामीटर बना लें कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो जितने भी कंट्रोल हैं सारे कंट्रोल से वैल्यू आ रही है। ठीक है, फिर वैल्यू आ जाएगी तो अब ट्राई ब्लॉक क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पे हम करेंगे इसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट किया, ठीक है, वैल्यू सेव हो गई। फिर ग्रिड व्यू को बाइंड कर देंगे, अगर एरर आएगा तो यहाँ पे कैच उसे हैंडल कर लेगा, फिर फाइनली ब्लॉक की हेल्प से हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, फिर ये आपका मेन कैच ब्लॉक। ठीक है, तो अब ये आपका यहाँ पे क्रिएट हो चुका है परफेक्टली। अब हम इसी को भी क्या करेंगे, चेक करेंगे, तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हम चलेंगे मैनेजर पे, मैनेजर आ चुका है, अब यहाँ पे लॉगिन करेगा मैनेजर, लॉगिन करा दिया, सही है। अब यहाँ पे सेल्स पे आ जाते हैं, तो ये सब तो हो ही चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सेल्स का होगा, ठीक है, तो सेल्स को यहाँ पे सेल्समैन लॉगिन करेगा। ठीक है, सेल्स, ठीक है, यूजर एंड पासवर्ड का एंटर किया, ये बंदा लॉगिन कर गया। ठीक है, अब जो भी सेल्समैन होगा वो आ चुका है यहाँ पे, हेलो सेल्स वेलकम टू ये फला 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 जो भी आपकी वेबसाइट है। अब देखो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे क्लाइंट टाइप है, अपॉर्चुनिटी प्रपोजल है, प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर आप क्लाइंट टाइप पे आ जाओ तो अभी ये वाला जो पेज है अभी मैंने बनाया नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी पे आओ तो अपॉर्चुनिटी पे क्या क्लिक करोगे, तो अपॉर्चुनिटी पे यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करोगे तो क्रिएट क्लाइंट वाला पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड हुई हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, मान लो कोई भी अपॉर्चुनिटी जो भी है। तो अभी ये अब टाइप क्या है, जीपीएस ट्रैकिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर कुछ भी आप दे सकते हो, स्क्राइब। ओके, अब ये सारे इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया, अब आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है।
अपॉर्चुनिटी आपकी ऐड हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बंदा अभी आपने ऐड किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी होती है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। अभी अपॉर्चुनिटी हो गई, अभी हम क्रिएट करेंगे क्लाइंट टाइप, प्रपोजल और प्रोजेक्ट, ये सारे पेज भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर हम एक नया पेज ऐड करेंगे जिसका नाम होगा ऑप्शन टाइप। तो ऐड कर लिया, इसका नाम दे देते हैं इट्स ऑप्शन टाइप। ऐड पे क्लिक करेंगे, एक मास्टर पेज यहाँ पे ऐड कर लिया। ओके, अब इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये जो है फॉर्म, इसकी डिजाइनिंग हो चुकी है, मैं आपको इसकी डिजाइनिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिया, अभी भी लिया मैंने ग्रिड व्यू बटन और एक एसक्यूएल डेटा सोर्स लिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी जो भी है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है उसे। तो अब चलेंगे इसके डायनेमिक कोड की तरफ, राइट क्लिक करेंगे, व्यू इन कोड पे चलेंगे, यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम स्पेस ऐड करने हैं, तो हम कुछ नेम स्पेस यहाँ से करेंगे कॉपी। ओके, ये नेम स्पेस मैंने कर लिया कॉपी। नेम स्पेस कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया नेम स्पेस। ओके, करना है पहले तो आपको सेशन चेक करना है, तो आपको लिखना है इफ सेशन आईडी डज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। करेंगे हम यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे सॉरी एक कमांड जो है हमारा सेलेक्ट कमांड वो दे देते हैं, सेलेक्ट करो अपॉर्चुनिटी टेबल से, ठीक है, ऑप्शन वाले टेबल से। या फिर ये जो कोड होगा ये ग्रिड व्यू के लिए होगा, तो ग्रिड व्यू में अगर आपको सब कुछ डिस्प्ले करना है तो आपको ये कोड जरूरत है उसकी, ठीक है। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक बटन है ऐड बटन। ऐड बटन पे करेंगे डबल क्लिक। तो गाइज बटन के क्लिक इवेंट पे आपको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू इंटर करना है, तो ट्राई कैच के अंदर आपको फिर से वही सारा कोड लिखना होगा। तो ये आपका कनेक्शन हो गया, कनेक्शन के बाद यहाँ पर आपका हो गया इंसर्ट बटन का कोड, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट, इसमें आपने क्वेरी दिया है, ठीक है, ये क्वेरी हो गया आपका। और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर सेट किया, फिर आपने ट्राई ब्लॉक लगा दिया, अगर कोई एक्सेप्शन आए तो ये इसे हैंडल कर ले। तो यहाँ पे कनेक्शन ओपन हुआ, आपने उसे एग्जीक्यूट कर दिया सीएमडी डॉट नॉन क्वेरी की हेल्प से, मेथड की हेल्प से, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड की हेल्प से आपने इसे सेव कर दिया। फिर ग्रिड व्यू को बाइंड कर देंगे, जो भी नया न्यूली इंसर्टेड रिकॉर्ड होगा वो ग्रिड व्यू में शो हो जाएगा, और कंट्रोल के यहाँ पे इंपुट ही कर देंगे। फिर कैच ब्लॉक हैंडल करेगा अगर कोई एक्सेप्शन आता है, एरर आता है। और यहाँ पे फाइनली है कि हेल्प से हम कनेक्शन को क्लोज कर देंगे, फिर ये आपका मेन कैच ब्लॉक, ठीक है। तो बस अब ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे हो चुका है। अब हम चलेंगे फिर से लॉग इन करेंगे, सेल वाले भाई साहब आ जाइए, @01, और यहाँ पे हमने किया लॉग इन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी वाला है जो है ना ये आ चुका है, तो इस पे अगर क्लिक करें यहाँ पे तो ये फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। सॉरी क्लाइंट टाइप में था, ओके, तो क्लाइंट टाइप में था, आपको अपॉर्चुनिटी टाइप यहाँ पे देना था ना, अपॉर्चुनिटी टाइप। तो आपने क्लाइंट टाइप पे क्लिक किया तो ये आपका जो आपने फॉर्म अभी आपने क्रिएट किया ये आ चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, अपॉर्चुनिटी टाइप, तो यहाँ पर आप देखो अभी जो काफ़ी सारे टाइप हैं सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ पर हम दे देते हैं इससे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट्स भी दे दिया टाइप। ऐड पे क्लिक किया तो देखो प्रोडक्ट भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस तरीके से फिर आप इसे अपडेट और डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हो। आप इसे अपडेट करना है तो सिंपली आप इसे गुड्स, ओके, तो आपने इसे अपडेट कर दिया, तो यहाँ से आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब चलते हैं प्रपोजल और प्रोजेक्ट की तरफ, ये दोनों भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्म ऐड करेंगे, इसका नाम हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक फॉर्म लिया, नाम दे दिया मैंने प्रपोजल, यहाँ से मास्टर पेज ऐड कर लेते हैं। ऐड पे आएंगे, मास्टर पेज को भी कर लिया ऐड, ये फॉर्म आ चुका है, इसकी डिजाइनिंग करेंगे हम। तो गाइज प्रपोजल फॉर्म जो है इसकी डिजाइन हो चुकी है, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे लिया मैंने ग्रिड व्यू, एक बटन, एसक्यूएल डेटा सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे एक बनाया टेबल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसके डायनेमिक कोड की तरफ चलेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, व्यू इन कोड पे आ जाते हैं, यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे दो नेम स्पेस, आपको यहाँ पे दो या तीन जो मेन मेन नेम स्पेस है आपको इसे ऐड कर दिया है। पेज के लोड इवेंट पे सेशन को चेक कर लिया, ओके। तो गाइज अब हम चलेंगे डिजाइन व्यू पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको अगर डिजाइन में चलेंगे, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊँ, यहाँ पे देखो अभी के लिए क्या है, यहाँ पे जो आपका एसक्यूएल डेटा सोर्स है, एसक्यूएल डेटा सोर्स, ठीक है, इसका नाम क्या है, लाइब्रेरी डीबी। तो यहाँ पे देखो कनेक्शन स्ट्रिंग ये है। अब यहाँ पे कितने कमांड है, एक सेलेक्ट का कमांड मैंने यहीं पे दे दिया, अपडेट का, डिलीट का दिया, इंसर्ट और अपडेट, ये चारों कमांड मैंने यहीं पे दे दिए। सेलेक्ट के कमांड पे क्या है, सेलेक्ट करो स्टार फ्रॉम प्रपोजल वाले टेबल से सब कुछ सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये है, अब क्या करेंगे, ये डिजाइन पे आएंगे, ये जो बटन है ना, इस बटन का नाम क्या है, बीटीएन ऐड, इस बटन पे करेंगे डबल क्लिक। बटन पे किया मैंने डबल क्लिक, अब यहीं पर सारा कोड हमें देना है इस इन्फॉर्मेशन को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे ट्राई कैच में देंगे सब कुछ, तो मैं आपको इस बटन का कोड दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्राई ब्लॉक लिखना है,
ताकि कोई एक्सेप्शन आए तो हैंडल हो जाए आसानी से। उसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर आई नाम से, आई इज इक्वल टू जीरो। फिर आपके कनेक्शन का कोड यहाँ पर रहेगा, आप देख सकते हो ये कनेक्शन का कोड आ जाएगा डेटाबेस के। फिर हम क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पे, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्वेरी क्या कह रहा है, इंसर्ट इनटू प्रपोजल टेबल क्या क्या इंसर्ट करना है, नेम, क्रिएटेड यूजर आईडी, टाइम स्टैम्प, यहाँ पे सारे कॉलम देख लीजिए, चांस टू क्लोज, बजट, ड्यूरेशन, कॉन्टेक्ट नेम, कॉन्टेक्ट मोबाइल, डिस्क्रिप्शन, नोट्स, अकाउंट, रिवेन्यू, स्टेटस, रिजेक्शन, रीजन। ठीक है, ये हो गया। वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू जहाँ जहाँ से आए तो आप ये दे दो, ठीक है, एट द रेट नेम से ये सारी वैल्यू आपको यहाँ से दिखाना है। और यहाँ पे अमाउंट, स्टेटस, रिजेक्शन, रीजन और ये आपका कनेक्शन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद आपने बनाया पैरामीटर, तो ये हमारे सारे पैरामीटर यहाँ पे कि कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ से आ रही है, तो ये पैरामीटर आप देख सकते हो। ठीक है, आप ये पैरामीटर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे हम, चलेंगे यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में, ट्राई ब्लॉक में आ जाएंगे तो कनेक्शन को किया ओपन और यहाँ पे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अगर कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली सेव, मतलब अगर डेटा हमारा सक्सेसफुली सेव हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब ये मेथड रन करेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इनिशियली हमने आई को 0 यहाँ पे डिफाइन किया था, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर कैच में आएंगे, ये क्लोज हो गया, फाइनली पे कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे कि अगर आई की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ठीक है, और आपका जो एक चेक बॉक्स होगा यहाँ पे, अगर वो चेक हो, चेक बॉक्स चेक हो और आई की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर वो ट्रू हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट टेबल, तो हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट वाले टेबल में स्टोर कर देनी है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट मैनेजर, टाइम स्टैम्प, अमाउंट, रिवेन्यू, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस और लॉन्च डेट। और क्या करना है यहाँ पे, आगे है कॉन्टेक्ट नेम, कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर, नोट्स है, फिर वैल्यू पे आ जाएंगे। वैल्यू में क्या क्या है यहाँ पे, वैल्यू में है आपका प्रोजेक्ट नेम, मैनेजर, टाइम स्टैम्प, रिवेन्यू, डिस्क्रिप्शन, स्टेटस, लॉन्च डेट, ड्यूरेशन, कॉन्टेक्ट नंबर और आपका यहाँ पे नोट्स और ये आपका कनेक्शन का क्लोज। ठीक है, कनेक्शन यहाँ पे दे देंगे। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे, आपके पास जो पैरामीटर हैं आप बनाओगे सीएमडी डॉट पैरामीटर, पहले तो क्लियर कर दो सारे पैरामीटर, फिर आप क्या करो, अब एक एक करके ऐड करो, ऐड विथ वैल्यू। तो ये पैरामीटर का नाम क्या, प्रोजेक्ट नेम की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम कहां से आएगा, ये सेशन से आएगा। तो टाइम स्टैम्प की वैल्यू यहां से, डेट एंड टाइम से आएगा। अमाउंट कहां से आएगा, टीएक्सटी अमाउंट से आएगा। तो इस तरीके से सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, फिर ट्राई ब्लॉक के अंदर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर कैच ब्लॉक से एक्सेप्शन हैंडल करेंगे, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो रिस्पॉन्स डॉट राइट और ब्रैकेट में ई डॉट ईएक्स डॉट मैसेज। तो आप चाहते हो कि क्या एक्सेप्शन आया है, उस एक्सेप्शन, उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आपको ये में लिख देना है रिस्पॉन्स डॉट राइट मेथड में। तो वो जो भी एक्सेप्शन होगा, वो रीजन जो होगा, वो आपको आपके पेज पे दिख जाएगा। फिर फाइनली ब्लॉक की हेल्प से कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। एंड देन लास्ट में क्या करेंगे, सब कुछ हो जाएगा तो ग्रिड व्यू को बाइंड करेंगे, ताकि ग्रिड व्यू में नई जो वैल्यू होगी अपडेट होके वो आपको शो हो जाए, एंड देन कनेक्शन को यहाँ पे आप क्लोज कर दोगे। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला जो चीज यहाँ पे लिखा गया है ना, इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे भी दे सकते हो। अगर यहाँ पे कोई, यहाँ पे अगर कोई आ जाए एक्सेप्शन, तो वो आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो प्रपोजल भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या चलेंगे, चलेंगे ब्राउजर में। यहाँ पे हमारा जो सेल्स है वो तो लॉगिन है ही, होम पे आ जाते हैं, होम पे आ गए। अब यहाँ पे क्या प्रपोजल था, तो प्रपोजल पे करेंगे क्लिक, तो प्रपोजल वाला फॉर्म आपका लोड होके आ चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी आपके पास जो प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं, जितने भी प्रपोजल आए हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे दे सकते हो कि किस बंदे ने किस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यहाँ पर आया है। ठीक है, किसने क्रिएट किया है ये प्रपोजल, ये प्रपोजल इसके लिए इसने क्रिएट किया, जिसका आईडी 6 है उस बंदे ने क्रिएट किया है। बजट क्या है इसका, ठीक है, बजट दे दिया। कब सबमिट करना है, रिवेन्यू क्या है, ठीक है, अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या रीजन था रिजेक्ट होने का, तो सारी चीजें आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, अपडेट कर सकते हो। अब यही इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट में भी चला गया होगा, तो अभी हम प्रोजेक्ट को भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने प्रोजेक्ट को क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। गाइस राइट क्लिक करेंगे, एक नया पेज यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड न्यू आइटम। यहाँ पे वेब पेज ले लिया, वेब फॉर्म, और यहाँ पे इसका नाम प्रोजेक्ट कर दिया। ऐड करेंगे मास्टर पेज, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस पेज की हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, जो हमारा पहला कंटेंट प्लेस होल्डर है उसमें हमने कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है, सिर्फ जो हमारा बॉडी, जो सेकंड कंटेंट प्लेस होल्डर है उसी में हम यहाँ पे डिजाइन बना लेते हैं। इस तरीके से डिजाइन मैंने बना लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो
मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूं। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन होगी। यहां पे सिर्फ मैंने लिया है ग्रिड व्यू और एक डेटा सोर्स, ठीक है, दो कंट्रोल, एक ग्रिड व्यू लिया है और एक डेटा सोर्स लिया है, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया यहाँ पे। और ग्रिड व्यू को यहाँ पे इसका जो कोड है बनाने का मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप इसे चेक कर लीजिएगा। सारी प्रॉपर्टी ये सब पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ उन सब पे, ठीक है। तो अब बस आप जैसा कोड है ना, आप इसे टाइप कर दोगे, इस तरीके से बनता चला जाएगा, उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। तो भाई ये हो गया, आप चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो व्यू डिज़ाइन पे आ जाते हैं, तो आपको हमेशा की तरह सारे यहाँ पे काम कर लेने हैं पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करना है, नेम स्पेस दे दिया, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि बिना लॉगिन किए कोई भी बंदा यहाँ पे आ ही नहीं सकता इस पर्टिकुलर पेज तक, ठीक है। तो गाइस यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ एक सेलेक्ट का कोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लाइब्रेरी डॉट डीबी डॉट सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड आप दे दोगे, आपको सिर्फ प्रोजेक्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको वो देखना है। तो सेलेक्ट प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन है गेट यूजर नेम करके, फंक्शन को आप कॉल कर लोगे, जिस फंक्शन की हेल्प से आप पर्टिकुलर जो भी बंदे ने उसे ऐड किया उसका नाम आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हो आपके सामने है पूरा कोड, ओके, इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे इसे इस क्वेरी की हेल्प से जो भी रिकॉर्ड आएगा उसको हम क्या करेंगे, ग्रिड व्यू में डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो ये हो चुका है, ओके, हम इसे सेव कर लेते हैं। अब चलेंगे इसके जरा सा डिजाइन कोड पे आ जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो क्या है, मेरे पास है ग्रिड व्यू, ये आपको दिख रहा है, नीचे लिया है मैंने एसक्यूएल डेटा सोर्स। यहाँ पे मेरे पास है तीन कमांड, पहले दो कमांड, पहला है डिलीट का, दूसरा है अपडेट का, और जो सेलेक्ट का कमांड है वो मैंने पेज के लोड इवेंट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये जो कोड है वो ये यहाँ पे भी मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो बस इस कोड का मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके वहां से उसको कोड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और आपका आसानी से डिज़ाइन परफेक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो इसी पर, एक ही वीडियो में पूरा प्रोजेक्ट में फिनिश कर दूँ और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। तो सोर्स कोड मैं दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, वीडियो को आप पूरा देखो एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास हो चुका है, अब मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, होम पेज पे चलेंगे एक बार। तो यहाँ पर आपका जो सेल्स है वो लॉगिन है, तो प्रोजेक्ट पे चलेंगे। तो प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो अभी जो फॉर्म मैंने बनाया है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी एक ही प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा। और आप जैसे जैसे आप यहाँ पे प्रपोजल ऐड करते चलोगे, ठीक है, तो वो वैल्यू आपके डेटाबेस में जाके सेव होती रहेगी, ओके। तो अभी ये इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब हम यहाँ पे करते हैं लॉग आउट करते हैं। तो सेल्स का काम हो गया, मैनेजर का काम हो गया, तो मैनेजर का भी देख लेते हैं, मैनेजर का भी काम हो ही चुका है, @01, ओके। तो भाई मैनेजर का भी हो गया क्योंकि मैनेजर पे अनाउंसमेंट है और एक सेल है, ठीक है। अनाउंसमेंट मैंने कर ही दिया है, सेल भी मैंने कर दिया है, अब रह गया है एडमिन का, ठीक है। तो एडमिन का हम देख लेते हैं, तो एडमिन, और यहाँ पे आपको देना है इट्स एडमिन @123। तो एडमिन का एक ही यहाँ पे टास्क है, वो है मैनेजर को ऐड करना। तो ये वाला पेज मैंने बनाया नहीं है, तो पहले मैं एक पेज बनाऊंगा। तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम पे आएंगे, एक नया फॉर्म ऐड करते हैं। इस फॉर्म का नाम हम क्या देंगे, क्रिएट मैनेजर, यहां से मास्टर पेज ऐड कर लेते हैं इसमें, ओके, मास्टर पेज ऐड हो गया। अब इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं हम। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन भी हो चुका है, मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। यहाँ पर आप आओगे तो आपको क्या करना है, मैनेजर को ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स है, यूजर नेम पासवर्ड देना है और यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देना है। नीचे लिया मैंने एक ग्रिड व्यू और एक लिया है डेटा सोर्स, ठीक है। तो ग्रिड व्यू का बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया, इसका ग्रिड व्यू का इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आपको कर लेना है, ठीक है, वो तो बहुत ही आसान है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे इसके पेज के लोड इवेंट पे, राइट क्लिक करेंगे और व्यू कोड पे आ जाते हैं, ठीक है। तो नेम स्पेस हो गया, इसके बाद क्या देना है आपको, एक सेशन आपको चेक करना है कि अगर बंदा यहाँ पे लॉग इन करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर से उसे लॉग इन करना होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल आपको करना है, ऐड बटन पे चलेंगे। ऐड बटन पे आ गए, यहाँ पे किया मैंने ये, ठीक है, अब ये मैंने दे दिया, अब इसे मैंने कर लिया सेव, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्या दिया, ट्राई क्लास, ट्राई ब्लॉक के अंदर दिया, पहले तो कनेक्शन बनाओ, इसके बाद कमांड क्रिएट करो, और इसमें क्वेरी क्या लिखा है यहाँ पे, इंसर्ट इनटू यूजर टेबल, जहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, रोल और क्रिएटेड आईडी, ये सारी चीज़ें आएंगी। कहाँ से आएगी सारी वैल्यू, वैल्यू आप यहाँ से मेंशन कर लोगे, ओके, फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक में हमने दे दिया कनेक्शन ओपन करो, एग्जीक्यूट करो,
ग्रिड व्यू को बाइंड करो और कंट्रोल को इम्पटी करो, फिर यहाँ पे आपका ये एक्सेप्शन, ठीक है, फिर फाइनली ब्लॉक पे से क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पर आपका एक्सेप्शन। अगर आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है और आप इस एक्सेप्शन को अगर आप हैंडल करना चाहते हो, तो आपके पास एक कोड है, ठीक है, ये वाला रिस्पॉन्स डॉट राइट मैसेज ईएक्स डॉट मैसेज, तो आप ये वाला कोड यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाला कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर मैं एक्सेप्शन आएगा तो क्या एक्सेप्शन है एग्जैक्टली वो एक्सेप्शन आपको प्रिंट कर हो जाएगा आपके पेज पे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ये जो प्रोजेक्ट है ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है। ऐड मैनेजर पे चलेंगे, तो अगर आपको किसी को ऐड करना है तो आप कर सकते हो। यहां पे क्या करोगे, उसका नाम दे दोगे, तो यहां पे उसका नाम दे देते हैं, इट्स पासवर्ड 123, ऐड पे क्लिक किया, बंदा आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बनाना है तो, और यहां पे इसका पासवर्ड, ओके, तो ये दूसरा बंदा आपका ऐड हो गया, ठीक है। तो अब आप इसे एडिट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे एडिट कर सकते हो 4-5, और यहाँ पर आपने अपडेट कर दिया, पासवर्ड आपका अपडेटेड हो गया, ठीक है। तो आप बंदे यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे एडमिन, मैनेजर और सेल्स, ये तीनों तरह के बंदे यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ये एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लिए, और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। तो भाई अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया ना, तो आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को फैला देना है, ठीक है, पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में आपको फैला देना है। जितने भी आईटी से रिलेटेड बंदे हैं जो पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आपके एक शेयर से किसी बंदे को प्रोजेक्ट मिल सकता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और यार जितने भी आईटी वाले सीएस वाले हैं, आप लोगों को पहले तो मैं, या फिर जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले थैंक यू सो मच यार, आप लोगों की हेल्प से 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो आगे हम बहुत जल्द ही 20,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेंगे। तो गाइज बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, जो भी कमेंट हो कमेंट में हमें बताते रहिए, और बहुत ही जल्द हम कुछ और डिफरेंट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जल्दी कुछ प्लानिंग चल रही है। तो गाइज ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।